G, we were discussing uh, heparin and the third factor which causes uh, prevention of blood coagulation outside the body is the factors which can decrease calcium in the blood and two factors are important number one are soluble oxalates and number two are negatively charged citrate ions soluble oxalates and negatively charged citrate ions सो so, सबसे पहले क्या है सिलिकनाइज कंटेनर्स हैपरिन डिक्रीज कैल्शियम इन ब्लड एंड सॉलेबल ऑक्सीट्स नेगेटिवली चार्ज सेट्रेट सॉलेबल ऑक्जीलेट्स वट दे आर डूइंग सॉलेबल ऑक्जीलेट्स ये करते हैं कि ये कैल्शियम को पकड़ लेते हैं लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं इसलिए हम इनको लेबॉर्ट्री में uh, यूज़ नहीं करते इंट्रा और बॉडी में इंजेक्ट भी नहीं कर सकते हैं. लेकिन जो नेगेटिवली चार्ज सेट्रेट आइंस हैं ये लेस टॉक्सिक होते हैं इनको हम लेबॉट्री में यूज़ करते हैं और आपने देखा है कि सोडियम सिट्रेट जो है वो आप लेबॉट्री में एज एन एंटी यूज़ करते हो टेस्ट ट्यूब में ब्लड लेते हो सैंपल ब्लड सैंपल से पहले ही उस टेस्ट ट्यूब में सोडियम ऑक्सीडेट होता है uh, और ये हमारे पास लैब में फ्रिक्वेंटली अवेलेबल होता है आपको ब्लड क्लॉट नहीं करता है फिर आप वो ब्लड जो है एग्जामिनेशन के लिए भेजते हो अच्छा जी और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इफ़ द लिवर इज़ डैमज और इफ़ लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ सिट्रेटेड ब्लड और प्लाज्मा आर गिवन टू रैपिडली द सिट्रेट आइन मे नॉट बी रिमूव क्विकली इनफ एंड द सिट्रेट कैन अंडर दिस कंडीशन डिप्रेस द लेवल ऑफ कैल्शियम आइन इन द ब्लड विच कैन रिजल्ट इन टेटनी एंड कन्वर्जिव डेथ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू ठीक है दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एम सी क्यू now what blood coagulation test you use you have uh, done these uh, tests in your uh, laboratories the number one is the bleeding time second one is the clotting time third one is prothrombin time uh, but prothrombin time is mostly um, carried out in uh, not in our uh, laboratory but uh, in pathology labs especially so uh, i will tell you about bleeding time and clotting time bleeding time please 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 remember it is prolonged in thrombocytopenia because it is due to deficiency of platelets it is not due to deficiency of clotting factor 8 एंड यू हैव परफॉर्म दिस प्रैक्टिकल इन द लैब आप लोगों ने ये लेबॉर्टरी में प्रैक्टिकल किया है फिर भी मैं थोड़ा सा रिपीट कर देती हूँ कि आप इस तरह करते हो एक फ़िल्टर uh, पेपर लेते हो उसके बाद आप फिंगर से स्वैप को सा, uh, साफ करते हो आप प्रिक uh, लगाते हो और वो जो आपका प्रिक का पॉइंट है ब्लड के जो स्पॉट्स उस प्रिकिंग पॉइंट से निकलते हैं वो आप फिल्टर पेपर पर लगाते जाते हो आफ्टर एवरी ट्वेंटी टू थर्टी सेकेंड्स उसके बाद आप uh, जब वो रेड ड्रॉप ब्लड का ड्रॉप फिल्टर पेपर पे आना बंद हो जाता है आप उस टाइम को कैलकुलेट करते हो वो आपका नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम होता है एंड द नॉर्मल ब्लीडिंग टाइम अकॉर्डिंग टू द गाइडेंस स्टडी इज़ वन टू सिक्स मिनट दूसरा इंपॉर्टेंट टेस्ट जो आप करते हो uh, बेटा दैट इज़ दी क्लॉटिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम मैंने आपको बार बार बताया पिछले लेक्चर में भी बताया कि क्लॉटिंग टाइम जो है ये हीमोफीलिया में प्रोलॉन्ग होता है और क्लॉटिंग टाइम के लिए आप टेस्ट ट्यूब यूज़ करते हो लैब में पतली सी कैपेलरी ट्यूब्स होती हैं रिमेंबर इस तरह की आपने पतली सी कैपेलरी ट्यूब्स में क्लॉटिंग टाइम परफॉर्म किया था और उसके बाद आपने देखा था जब आपने क्लॉटिंग ट्यूब ब्रेक की थी तो इस तरीके से फाइबरिन थ्रेड्स बने हुए थे और जो आपका नॉर्मल क्लॉटिंग टाइम है वो सिक्स टू टेन मिनट्स है इनशाला वन क्लासेस विल स्टार्ट रेगुलरली तो मैं आप लोगों को ब्लड के प्रैक्टिकल्स ख़ुद भी रिवाइज कराऊंगी और एक दफ़ा ये जो लेक्चर ऑनलाइन हुए हैं ब्लड के आखिरी प्लेटलेट्स के बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू फ्रॉम रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू एग्जामिन ऐसी शॉर्ट ऐसे क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू एंड एम पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है तो ये मैं एक दफ़ा इन अगर हमें मोहलत मिली इन हमें टाइम मिलेगा तो मैं ये आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा सारा रिवाइज़ कराऊंगी फ़ेस टू फेस ठीक है um, इस वक्त मेरे पास जो अवेलेबल सोर्स थे मैंने उनसे यह आपका लेक्चर आज के फर्स्ट थ्री लेक्चर्स ऑनलाइन प्रपेयर किए हैं दिस इज़ द एंड ऑफ द लेक्चर टू एंड फ्राम लेक्चर थ्री वी आर गोइंग टू स्टार्ट हार्ट फिजोलॉजी आई विल टीच यू फिजोलॉजिकल अनेटमी ऑफ द हार्ट थैंक यू